जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आज वार्ड नंबर 41 में हमने एक स्वच्छता का कार्यक्रम हजूरीबाग ट्यूबवेल पर रखा था, जिसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रैली यहां से निकाली गई, जिसमें हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, यहां के पूर्व विधायक सत शर्मा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री विभोज जी, जिला अध्यक्ष मुनीर जी, मंडलाध्यक्ष और सभी हमारे कार्यकर्ता और यहां के सभी गणमान्य व्यक्ति उसमें शामिल हुए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत स्वच्छता अभियान और स्वदेशी अपनाओ का जो है हमने प्रोत्साहन देने के लिए ये रैली निकाली थी। इसके बाद लुथरा स्कूल में हमने श्रद्धांजलि देकर जहां पर एक ओद का भी कार्यक्रम किया, जिसमें भारत को स्वच्छ बनाने, आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। नंबर 41 के हमारे जो कारपोरेटर हैं संजय बड़ू जी, उनकी अध्यक्षता में आज यहां पर जो ट्यूबवेल है, जो वार्ड नंबर 41 को सारे को पानी सप्लाई होती है, वहां पर आकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत और आज 2 अक्टूबर है उसको लेकर यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस ट्यूबवेल को जो इसका पेरिफेरी है, इसके बाहर का जितना भी लॉन है या इसके इधर लेन ड्रेन है, सबकी सफाई जो है वो की गई है। संजय बड़ू जी के इस कार्य के लिए मैं सराहना करता हूँ। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो 20 दिन का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 20 वर्ष पूरे होने के, अपने सरकार में 20 वर्ष पूरे होने के ऊपर ये, और 7 सितंबर को उनका जन्मदिन था, 17 सितंबर को जन्मदिन था, ये 20 दिन का जो कार्य जो है वो चल रहा है, उसी के निमित्त आज पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी सफाई अभियान चल रहे हैं। और उसके साथ साथ खादी को अपनाने का एक बड़ा प्रयास जो है वो चल रहा है कि भाई खादी को अपनाया जाए और साधारण जीवन जो है वो जिया जाए। मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से उनका संबंध है, उनके पिताजी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचा करते थे, इसलिए उनको गरीब का दर्द पता है। उन्होंने अपने दौर के अंदर अंत्योदय जो एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही एक जो विचारधारा थी उसको लागू किया और पंक्ति के आखिरी घर तक जो है गैस सिलेंडर पहुँचाया, किसानों के अकाउंट के अंदर जो है वो सम्मान निधि के तहत रुपये पहुँचाए, ई श्रम के तहत मजदूरों के अंदर जो है वो कार्य किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारा कोई भी ऐसा गरीब परिवार नहीं है जिनके अकाउंट में जो है कोविड के दौरान रुपये ना पड़े हों, फ्री राशन जो है वो बांटा जा रहा है। कुल मिलाकर हम धन्य हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला।